और अभी आपको बताएं, आम इंतखाबात की तैयारियां जोरों पर हैं। इंतखाबी निशान के लिए इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त देने की आखिरी तारीख है। अब तक 60 जमातें निशान के लिए इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दे चुकी हैं। आपको हम खबर से आगाह कर रहे हैं, आम इंतखाबात की तैयारियां जोरों पर हैं। इंतखाबी निशान के लिए इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त देने की आज आखिरी तारीख है। अब तक 60 जमातें निशान के लिए इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दे चुकी हैं। आपको हम खबर से आगाह कर रहे हैं, आम इंतखाबात की तैयारियां जोरों पर हैं। इंतखाबी निशान के लिए इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त देने की आज आखिरी तारीख है। जानते हैं जीशान अली से। जीशान, आज आखिरी तारीख है, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए इलेक्शन कमीशन ने तमाम सियासी जमातों से इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक जो दरख्वास्तें तलब की थी, आज आखिरी तारीख मुकर्रर की गई थी 25 मई। और इलेक्शन कमीशन का ये भी कहना था कि 25 मई तक जितनी दरख्वास्तें दायर होंगी उन जमातों को इंतहाबी निशान अलाट किया जाएगा। 25 मई के बाद जो जमातें दरख्वास्तें देंगी उनको इंतहाबी निशान अलाट नहीं किया जाएगा। हमारे राय के मुताबिक मुस्लिम लीग नून, PTI, पीपल्स पार्टी, MMA ने इंतहाबी निशान के लिए जो है दरख्वास्तें दे दी हैं और 60 के करीब जमातों ने दरख्वास्तें जमा करा दी हैं। इलेक्शन कमीशन में इस वक्त कुल सियासी जमातों की जो रजिस्टर्ड तादाद है वो 110 है, जिसमें से 60 के करीब सियासी जमातों ने दरख्वास्तें दायर की और 20 के दिन इलेक्शन कमीशन सियासी जमातों को इंतहाबी निशान अलॉट करने का सिलसिला जारी करेगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका।